इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। दुनिया में आज भी ध्यान रखिएगा, जितने भी महानुभावों ने, पुण्यार्जक परिवारों ने यहाँ पर कलश की स्थापना की है, वे दुनिया में कितने भी सफलता के चरम पर पहुँच जाएं, लेकिन अगर वो अजितनाथ भगवान की रोज प्रतिदिन तीन माला देते हैं, ओम ब्रीम से अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, तो ध्यान रखिएगा उनके कामों में उनका काम कम रहते हैं और पीछे से मंत्र की शक्तियाँ ज़्यादा काम कर रही हैं। ये बात अपने हृदय में गहराई तक बैठा लीजिएगा, जरूरी है, क्योंकि याथा तथ्यम विना च विपरीतात्। मैंने पहले ही कहा था कि कथानक सुनने से पूर्व में अगर ये बात दिमाग पर बैठ जाए कि ऐसा आज भी होता है, आज भी कोई व्यक्ति चाहे तो मंत्रों को विधि पूर्वक अनुष्ठान पूर्वक करके सिद्ध कर लेते हैं, और ऐसा मैंने अपनी आंख से देखा भी है कई लोगों को। बंधु, जब भरत ने मृगावती का चित्र महाराज चेटक की ओर तो वो देख रहा था, बीच बीच में थोड़ा सा अभिनय करता और अभिनय करके उसने पूरा का पूरा चित्र बनाया, और बना करके फिर महाराज भरत चेटक ने भरत ने देखा कि मृगावती के बगल में उसकी दूसरी और भी कन्याएं बैठी हैं। उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज कुछ कागजों की और आवश्यकता है। महाराज चेटक ने बिना कुछ सोचे समझे इशारा किया और नए नए कागज आ गए। एक एक करके सात की सात पुत्रियों के चित्र उस भरत चित्रकार ने वहां पर उतार दिए। चार पुत्रियां महाराज चेटक की विवाह को प्राप्त हो चुकी थी, विवाहित थी। तीन पुत्रियां जिसमें ज्येष्ठा चेलना और ज्येष्ठा चेलना के साथ चंदना, तीन पुत्रियां अविवाहित थीं। उस भरत चित्रकार ने सात की सात पुत्रियों के पूरे चित्र हूबहू बना करके जब कागज को पलटा, और पलटने पर पुत्रियों ने और महाराज चेटक ने देखा कि जैसी मेरी कन्या दिखती है वैसी की वैसी कन्या को इसने पूरा का पूरा कागज में उतार दिया। चूंकि पीछे से मंत्र काम कर रहा था, मंत्र की साधना करने पर कितनी सरलता हो जाती है गृहस्थ को अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए। वो मंत्र कई बार पुरुषार्थ के होते हैं, कई बार संयम के होते हैं, कई बार अभिषेक शांति धारा के होते हैं, कई बार मंत्र जाप के मंत्र होते हैं। मंत्र का मतलब है कि वो शब्दावलियां जिसको आप बार 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 दोहराते हैं, तो हजारों बार दोहराने पर कोई भी एक शब्द आपके जीवन में मंत्र जैसा काम करने लगता है, और उसी मंत्र की शक्ति से फिर आगे के आपके जीवन की धारा निश्चित होती है। भरत चित्रकार के उस पूरे के पूरे चित्र को तैयार कर दिया और दिखाया जब महाराज चेटक को, तो सात की सात पुत्रियों के साथ महाराज चेटक, महारानी और पूरी राजसभा देख करके दंग रह गई। राजसभा में दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने जब उस चित्र को देख लिया तो प्रत्येक मानस के अंदर यह भाव पैदा हुआ कि इन सात की सात पुत्रियों का एक एक चित्र हमारे घर में भी होना चाहिए, और सभी ने एक साथ इस बात की चाहना की कि इस चित्रकार से कह करके एक चित्र हमारे लिए भी बना दिया जाए, साथ की साथ कन्याओं का बना दिया जाए। और उस भरत चित्रकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिंधु देश के जो विशालापुर नाम का नगर था, उस प्रत्येक नगरवासी के प्रत्येक घर के लिए सात सात चित्र बना करके दे दिए। लोगों ने इतने सजीव चित्र को अपने घर के प्रवेश द्वार की देहरी पर लगा दिया। सात कन्याओं के चित्र हो गए, लगा दिए, और धीरे धीरे करके जिन लोगों को नहीं पता था उनके घरों में भी बाहर उनकी चौखट पर ऐसी सात कन्याओं के चित्र लग गए जिसको प्रजाजन रोज देखती,
रोज देख करके गदगद होती और धीरे धीरे लोक रूढ़िता चल गई। लोक रूढ़िता के चलने पर लोगों ने उनको सात माता कह करके पुकारना शुरू कर दिया, जबकि वो महाराज चेटक की सात पुत्रियां थीं। लेकिन कब कहां कौन सा क्रिया परंपरा का रूप ले ले, कुछ कहां नहीं जाता बंधुओं। मूर्ता में और मिथ्यात्व में एक बहुत गहरा अंतर है, आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है मिथ्यात्व, एक शब्द आता है मूर्ता। तो मिथ्यात्व क्या है महाराज और मूर्ता क्या है? मूर्ता है गलत में सही की कल्पना करने का नाम मूर्ता है। त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, ये रत्कण साहब का चार में मूढ़ शब्द आता है। मूर्ता क्या है महाराज? गलत वस्तु में सही की कल्पना का नाम मूर्ता है और सही वस्तु में गलत विचारणा का नाम मिथ्यात्व है। दोनों चीजों के ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। एक गलत में सही समझ रहे हैं तो मूढ़ है, और एक सही को गलत समझ रहे हैं तो हम मिथ्या दृष्टि हैं या मिथ्यात्वी हैं। मिथ्यात्वी मूढ़ व्यक्ति से थोड़ा हल्का ही मानिएगा, क्योंकि मिथ्यात्वी की दृष्टि रहती तो सदगुरु के ऊपर है, लेकिन उस सदगुरु से वो अपेक्षा कुछ और कर बैठता है। मूर्ता और मिथ्यात्व में अंतर देखिए, सौंदर्य है शब्दों का, हर शब्द की अपनी कीमत है। सात माता के सात कन्याओं के चित्र लग गए और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में सात माता के रूप में प्रसिद्ध हो गईं। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी चौखटों पर सिर्फ चूने से ऐसे सात बिंदियां बना दी जाती हैं, जिनको आप समझते नहीं हैं क्यों बना दी जाती हैं, लेकिन जैन संप्रदाय में भले नहीं होता हो लेकिन अन्य संप्रदाय में होता है। और नहीं तो चौकोर बना करके उसके ऊपर एक थोड़ा सा त्रिकोण जैसा बना करके उसकी कल्पना पूर्ति में इस तरीके की सात बिंब का निर्धारण करके आज भी कई लोग उसकी आराधना इत्यादि करते हैं। और इसी को आपके घर के अंदर आप कभी देखा होगा कि भैया इनके कहाँ देहरी पूजन होने हैं। देहरी की पूजा होती है ना घरों में, शादी विवाह के अवसर पर देहरी की पूजा की जाती है। वो जो देहरी की पूजा होती है उसके पीछे कभी बस ये महाराज चेटक की सात पुत्रियों के चित्र हैं बंधुओं, और कोई विशेष बात है नहीं। लेकिन लोगों ने गलत में सही की कल्पना करके और मूर्ता को बहुत आकार दिया। जब सब घरों में ये सब लग गया, लगने के बाद महाराज चेटक बड़े प्रसन्न हुए कि चित्रकार के अंदर तो अपूर्व शक्ति है, एक जैसा चित्र हर घर के लिए उसने उपलब्ध कराया मेरी सात की सातों कन्याओं का। तो महाराज चेटक ने उस भरत चित्रकार का अभूतपूर्व सम्मान किया, अभूतपूर्व। उस सम्मान को पाकर के भरत को उस पूरे के पूरे महाराज चेटक के राज्य में राज चित्रकर्मी का दर्जा मिल गया, एक छोटा सा भूखंड मिल गया, एक छोटा सा मकान मिल गया। देखिए कौशल होती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके यहाँ जीवन में काम करती है। अब इधर वे जो तीन कन्याएं थीं जिनका विवाह नहीं हुआ था महाराज चेटक की, ज्येष्ठा, चेलना और चंदना, इन तीनों में चेलना का अद्वितीय सौंदर्य था। अद्वितीय मतलब अद्वितीय का मतलब ही है कि पूरे राज्य में चेलना के जैसी सौंदर्यवान कोई दूसरी कन्या नहीं थी। ज्येष्ठा ने उस चित्रकार को अपनी दूतियों से कह करके एक दिन अपने अंतःपुर में बुलाया, अंतःपुर में बुला करके, और ज्येष्ठा ने कहा कि उस दिन तो मैंने बहुत दूर से आपको देखा था, आज थोड़ा करीब से देखने की इच्छा थी, आपसे वार्तालाप करने का भाव था, इसलिए आपको बुला लिया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भरत चित्रकार ने भी अपने आप को सौभाग्यवान समझा कि इस चित्रकारी के कारण मुझे राजा की पुत्री से सीधा संवाद करने की अनुकूलता और मौका मिल गया। जब सामने ज्येष्ठा और भरत चित्रकार बैठ गए तो ज्येष्ठा भरत से कहती है, भरत तुमने उस दिन राजसभा में हम लोगों के चित्र बनाए थे, सामान्य सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। भरत ने ऐसा उठा के आंख देखा, मुस्कुराया थोड़ा सा भरत,
और ज्येष्ठा कहती है हम तुम्हें सफल चित्रकार तो तब माने कि तुम चेलना का जैसा प्राकृतिक सौंदर्य है बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य वाला चित्र बना करके चित्रपथ पे अंकित कर दो। भरत उस ज्येष्ठा को देख करके सहम गया, कहता है राजकुमारी क्या कह रही हैं आप। ज्येष्ठा ने कहा मैं अपनी छोटी बहन चेलना का प्राकृतिक सौंदर्य चित्रपट पर देखना चाहती हूं। अब चूंकि वस्त्रों आभूषणों के साथ कृत्रिम सौंदर्य में अपनी सुंदरता अलग होती है, लेकिन चेलना अभूतपूर्व सुंदरी थी और भरत ने ज्येष्ठा की उस बात की सिद्धि करने के लिए चेलना के एक बार रूप को देख करके जैसे ही तुलिका हाथ में उठाई और मंत्र की सिद्धि के कारण चेलना का प्राकृतिक सौंदर्य पूरा का पूरा चित्रपट पर अंकित हो गया। कुछ भी कृत्रिमता वहां पर नहीं थी, पूरा का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य जब चित्रपट अंकित हुआ और ज्येष्ठा के सामने भरत ने रखा तो भरत ने जब ज्येष्ठा के सामने रखा तो ज्येष्ठा देखी तो ज्येष्ठा को इस बात का आश्चर्य हुआ कि चेलना के अंतरंग में जिस तरीके के तिल मस्से विन्यास इत्यादि है, भरत ने उतने ही बड़े उतने ही तरीके उतने ही रंग के वैसे विन्यास चित्रपट पर भी अंकित कर दिए हैं। जब ज्येष्ठा ने भरत की ये चित्रकारी देखी तो महाराज के गुप्तचर तो दुनिया में हर जगह रहते हैं। गुप्तचरों में से एक गुप्तचर ने देखा कि भरत ने चेलना का प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एक चित्र बनाया है और ये बात जाकर के जासूस ने उस गुप्तचर ने महाराज चेटक से कह दी कि महाराज राजसभा में तो भरत ने जो राजकुमारियों का चित्र बनाया था वो तो सौंदर्यवान था, लेकिन ज्येष्ठा को अभी भरत ने प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ चेलना का एक चित्र दिया है। चेटक के बात कानों तक पहुंची तो चेटक के कान में ऐसा लगा कि किसी ने कांटा घुसा दिया कि प्राकृतिक सौंदर्य समझते हो। हाँ महाराज अपराध क्षमा हो, लेकिन ऐसा ही हुआ है। चेटक को लगा कि भरत ऐसा कुछ कर नहीं सकता है। जब जासूस ने कहा कि हू बहु जहां जैसा विन्यास है वैसा ही बना दिया है, तो चेटक ने उस चित्रपट को बुला करके आंख में अपनी आंख से देखा और देख करके चेटक बहुत ज्यादा क्रोधित और भयभीत दोनों एक साथ हो गए। चेटक को भय ये लगा कि हो ना हो चेलना का और भरत का कुछ अंतरंग संपर्क हो गया है, इसी कारण ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये चित्र भरत बना पाया। क्योंकि चेटक को पता नहीं था कि भरत को हाथ में तुलिका में मंत्र की सिद्धियां हैं। आपको भी नहीं पता रहता है कई बार किसके पास कौन सी सिद्धियां रहती हैं और आप कई बार बिल्कुल बगल से होकर के गुजर जाते हैं और भूल जाते हैं कि कई चीज़ें सिर्फ अभिवादन करने मात्र से जीवन में प्राप्त हो जाती। किसी भी अति अच्छेकारी जिनबिंब के सामने जब आप गवासन से नमस्कार करते हैं, आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी पर रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी जब गर्भगृह के उस केंद्र के नीचे जाकर के झुकती है, जब आप ऐसे खड़े रहते हैं तो आपका ब्रह्मरंध्र गर्भगृह से ठीक ऊपर टच पे रहता है, लेकिन जब आप माथा नीचे जमीन पर टिकाते हैं और रीढ़ की हड्डी पीछे से गर्भगृह के ऊपर ऐसी दिखाई देती है तो सुषुम्ना नाड़ी से गर्भ के ऊपर के केंद्र का जब मैच बनता है तो मंत्र की शक्तियों से अभिभूत वह जो बिंब होते हैं जिसमें पूरे के पूरे में मंत्र का औरा छिपा रहता है, उसी वक्त आपने शब्द का उच्चारण किया रहता है बीजाक्षरों का ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम बम हम हम सम सम दम तम, तो वो मंत्र उस पूरे के पूरे गर्भगृह के भौरे में चक्रवात के जैसे घूमते रहते हैं। और जैसे समुद्र में वर्लपूल आता है, मतलब वर्लपूल को हिंदी में चक्रवाती भौरा भौरा कहते हैं, भंवर कहते हैं, तो जैसे वो वर्लपूल
समुद्र में आता है, ऐसे ही पूरे के पूरे बीजाक्षरों का एक वर्लपूल जो है वो गर्भगृह में ऐसा घूमता रहता है। और जब आप अभिषेक शांति धारा के पश्चात जब आप बोलते हैं तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्थी हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमः जिन भवोदधि शोषणाय, ये जब सब आप पढ़ते हैं उस वक्त जब आप झुक रहे होते हैं और सुषुम्ना नाड़ी उस गर्भ के केंद्र के केंद्र बिंदु के सामने खड़ी रहती है। दुनिया में किसी भी गर्भगृह में मूर्तियां ठीक केंद्र के नीचे नहीं रखी जाती। गर्भगृह का पूरा जो भौंरा बना रहता है उससे मूर्ति पूरी वेदी करीब 2.5 फीट पीछे रहती है, 3 फीट पीछे रहती है। और सामने का पूरा जो गर्भगृह बनाया जाता है, भौरा बनाया जाता है, शिखर बनाया जाता है, वो शिखर हम और आप जैसे मनुष्यों के सौंदर्य और शक्ति को विकसित करने का एक अतुलनीय बल का केंद्र है। लेकिन जब हम नमोस्तु करने की कला नहीं जानते हैं, गवासन से नमोस्तु नहीं करते हैं, लेट करके नमोस्तु नहीं करते हैं, तो कई बार उन मंत्रों की शक्तियों से हम अपने जीवन की ऊर्जा को परिमार्जित संवर्धित नहीं कर पाते हैं। ये हमारे नमोस्तु नहीं करने का जो विज्ञान हमें नहीं पता है, इस कारण भी हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बीमार व्यक्ति अगर प्रतिदिन प्रतिमा के सामने बैठ करके गवासन से नमोस्तु करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में अद्वितीय तरीके से विकास होता है। लेकिन इन ऊर्जा के केंद्रों से कैसे ऊर्जा ली जाती है, इस विज्ञान को हम भूल करके आज मंदिर के बाहर चैनल गेट के सामने ही भगवान को माथा टेकते हैं, ऐसा चावल चढ़ाते हैं और लौट जाते हैं। जबकि आवश्यकता थी कि गर्भगृह के केंद्र तक पहुंच करके और केंद्र में जिन बिंब के सामने खड़े होकर के नमोस्तु करते तो मंत्र की उच्चारणा शक्तियां, साधुओं का धर्म ध्यान, नमो अरेन्ताणम और उन साधुओं के द्वारा स्थापित बिंबों की शक्तियों से हम पूरे शरीर में ऊष्मा ऊर्जा संचार करके और धीरे से वहां से नमोस्तु करते हुए वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस विज्ञान से शून्य होने के कारण हमारे नमोस्तु में जो फर्क आ गया, खड़े खड़े नमोस्तु किया और चलते बने, शांति धारा करी अब कौन बैठे, कई बार मंदिर गए अब रेमंड कंपनी का पैंट पहना है क्रीज खराब हो जाएगी, बहुत टाइट जीन्स है तो जीन्स खराब हो जाएगा, नहीं तो पीछे से लिवाइस की इलास्टिक दिखने लगेगी, शर्म आएगी, तो क्या करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, ऐसा खड़े हो जाते हैं, ऐसा कर लिया, ऐसे धर्मात्मा दिखते हैं। उस समय आंख ऐसी बंद रहती है, ऐसा बुद करता रहता है आदमी कि इससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। लेकिन वो धर्मात्मा ये भूल जाता है कि इस तरीके से किसी भी पूजन अर्चना नहीं की जाती है। कैसे की जाती है, तो जितना बड़ा आपके सामने बिंब होता है उस चावल को, धुले हुए चावल को हाथ में लेकर के उस बिंब के ऊपर से पूरी चावल को ऐसे घुमाया जाता है जैसे कोई बिंब है। अब बिंब के कितना बड़ा बिंब है आप देख लीजिए, आपके घर के आपके मंदिरों के अंदर है ना। अब उस मंदिर के अंदर बिंब है तो पूरी की पूरी ऊर्जा का संचार उस पूरे बिंब के चारों तरफ हो रहा है। अब उस पूरी मंत्र शक्तियों की आराधनाओं को जब अर्घ चढ़ाना होता है तो ऐसो ऐसो नहीं चढ़ा हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।